एनीवेज, तो सर आपने अभी अभी वेट लूज किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 किलो जितना आपने वेट लूज किया, तो सर आपकी ये जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, और हमारे दर्शक के लिए क्या फिटनेस टिप्स है जो आपने इसमें सीखी, मतलब सिखाएंगे हमसे? देखो, कोविड टाइम बहुत खतरनाक था हम सबके लिए, और उस समय आई लॉस्ट माई मदर एंड इवन माई ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, वो बहुत कुछ इशू हुआ, और वो टाइम ऐसा था जब स्टेरॉइड्स लिए थे, मैंने भी लिए थे कई दिनों तक, सो वेट पुट ऑन हो गया था. सो आई वॉज ऑलवेज अराउंड 100 के आसपास था ही मैं, बट उस समय 118 तक पहुंच गया था मैं, 180 एंड 120. सो दैट वॉज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज आई रियलाइज, मेरे को ये पता चला था मेरे को कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लग गई थी. तो आई वॉज कि एडिमा आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, क्यों आ रही है? तो सिफेनो फ्यूमरल जंक्शन में लीकेज हो रहा था, मैंने चेस्ट कराया, तो मैंने कहा यार ये गलत है, अब गलत है, अब बाकी सब छोड़ के, क्योंकि एक समय ऐसा था पता है कि YouTube पे मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि रोज का एक वीडियो दो वीडियो नहीं बनाया तो मुझे चैन नहीं आता था कि यार वीडियो नहीं बना, वीडियो नहीं बना, वीडियो नहीं बना. बट फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने वीडियो भी बनाया, लोगों को भी बोला कि भाई बहुत हो गया, अब अपनी जिंदगी पे देखना जरूरी है, अपना आपको देखना जरूरी है. और तब से लेके अब तक इट्स बिन फ्यू मंथ्स, मैं जिम चाहे करूँ ना करूँ, एक्सरसाइज करूँ ना करूँ, मैं वॉक जरूर करता हूँ, और मेरे रिकॉर्ड है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर तक हम चल लेते हैं. सो दैट इज वन बिग थिंग. तो अगर आप LISS कार्डियो करते हैं तो एटलीस्ट दैट वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, और वो फैट लॉस ज्यादा तेजी से करता है मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट इज हाउ व्हेन यू डू स्मॉल लो इंटेंसिटी कार्डियो, तो आपका अराउंड वो 70-80% उसका जो एनर्जी यूज होता है वो कार्ब से होता है, और 20-30% वो होता है, सॉरी 70-80% फैट से होता है, बिकॉज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन टेक्स टाइम, टाइम लगता है. तो कोई भी हाई इंटेंसिटी या हैवी वर्कआउट्स में फैट का यूज नहीं हो सकता, उसमें आपका केवल कार्ब्स का यूज होता है. तो इसलिए LISS या पूरे दिन एक्टिव रहना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है. सो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं हो पाता एक्टिव, कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी काम होता है, तो उसको कॉम्पनसेशन करना, तो वो मैंने एक चीज अपने अपने आप से कह लिए है कि प्रॉमिस करी है हैबिट की, भाई अपने लिए लोगों के लिए हमें एटलीस्ट फिट रहना जरूरी है. तो ये फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट है. सो आई डोंट प्लान टू, आई डू वॉन्ट टू एक्सरसाइज एंड रेगुलरली जिम, मेरे घर पे भी बढ़िया सा जिम बना रखा है, लेकिन कई बार समय नहीं मिलता. सो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट मेरा पॉइंट सिर्फ फिटनेस का यह है कि अपने आप को देखो कौन सी चीज आपको कंफर्टेबल है. अगर आपको एक घंटा निकाल के जिम जाना कंफर्टेबल है, डन, वो करो. अगर आपके पास समय नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है, तो पूरे दिन एक्टिव रहने की कोशिश करो, और अल्टीमेटली माइंडफुली ईट करना, खाना सही से खाना, ये तो जरूरी है ही. तो वो तो आपको हमारे वीडियो से और कई जगहों से पता चल ही जाता है कि क्या नहीं खाना, क्या खाना, राइट? दैट्स हाउ इट इज.